नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं संविधान और हमारे गणतंत्र की। हमारा संविधान लगभग 70 सालों से हम उसको इस तरीके से अपनाए हुए हैं कि वो हमारे आत्मा यानी हमारे देश की आत्मा से जुड़ा हुआ है, और इसी संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि हमारा संविधान 70 साल का हो चुका है और 71वें में प्रवेश कर चुका है। संविधान तब और अब किस तरीके से आगे बढ़ा और कैसे भारत की आत्मा में आत्मसात लोगों ने इसे किया, इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं विवेक पाठक जी। आज हम उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं कि संविधान तब से अब तक कैसा है, कितना बदलाव लोगों ने इसमें महसूस किया है और संविधान की आत्मा किस तरीके से भारतीयों में आत्मसात उनकी तरफ से की गई, और क्या संविधान का महत्व है किसी भी देश के लिए, किसी भी बढ़ते नागरिक के लिए, किसी भी देश के नागरिक के लिए। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि हमारा संविधान 71वें में प्रवेश कर चुका है, यानी लगभग 71 साल से हम अपने 70 कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। 70 साल के इस संविधान को तब से अब तक, उसमें अधिकारों की बात करें, उसमें कर्तव्यों की बात करें, उसमें प्रस्तावना में जो काफ़ी चीज़ें अंकित की गई हैं, कहा जाता है कि भारत देश का जो संविधान है वो उसकी आत्मा है और उसे नागरिकों ने अपने भीतर आत्मसात किया है। कैसे देखते हैं आप इस संविधान के बढ़ते 70 साल को? देखिए, किसी भी देश का संविधान उस देश की पूरी व्यवस्था का परिचायक होता है और संविधान से ही देश शासित होता है। इसके दो पहलू होते हैं। संविधान एक तो देश की राज्य व्यवस्था को शासित करता है और कहीं ना कहीं वो राज्य और नागरिकों के बीच के संबंध को स्थापित करता है, उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर हम इसकी प्रस्तावना और इसके बनने के समय से इसके महत्व की चर्चा करें या उसके बारे में विचार करें, तो भारतीय संविधान का महत्व भारतीयों के लिए क्या है, ये तो उसकी प्रस्तावना से ही परिलक्षित हो जाता है। जी, हमने अपनी प्रस्तावना में ही कहा कि हम स्वयं भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, जबकि इस विषय में भी मतभेद हैं। ये भी कहा जाता है कि हम भारत के लोग, जो संविधान में फ्रेज यूज किया गया, जी, ये वास्तव में हम भारत के लोगों ने ही अधिनियमित किया है क्या? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत हुआ, और उसमें जो बहुत सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, 284 सदस्य थे संविधान सभा। बिल्कुल। एक और भी विषय आता है कि जिस अधिनियम के तहत संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की प्रस्तावना होती है, वही अधिनियम क्या करता है, भारत को दो भागों में विभाजित करता है। और उसमें संविधान सभा में ही नंबर्स का एक्सक्लूजन इंक्लूजन दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बाहर जाते हैं जो मूल संविधान सभा है उससे, और कुछ लोग संविधान सभा के अंदर नए लोग आते हैं। ये तो शुरुआत की बात हो गई जब 2 साल 11 दिन 11 महीने कुछ दिनों में वो संविधान बनकर तैयार हुआ था। हालांकि अभी भी कई सारे कुछ मतभेद हैं, लेकिन अगर उन्हें दरकिनार करें तो संविधान सभा ने जब संविधान का रूप तैयार किया, या यूं कहें, जैसे कि आपने भी कहा कि प्रस्तावना जिस्त है पूरा हमारे संविधान का, उसमें सब कुछ समाहित किया गया है, सब कुछ शामिल किया गया है। समय समय पर संशोधन भी होते रहे, जिसकी ज़रूरत रही उसे उस तरीके से संशोधित किया गया। अगर हम 1947 से इस समय हम 2020 में हैं, हाल ही में हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है, 70वां गणतंत्र, तो अगर हम कहें तो वो संविधान हर साल अपने मूल रूप को रखते हुए अपने नागरिकों को और ज़्यादा बढ़ने के लिए, परिपक्व होने के लिए और आगे किस तरीके से भारत को बढ़ाया जाए, इस पर भी उसमें बात होती रही है, इसका भी ध्यान उसके निर्माण के लिए रखा गया है। वो थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि कैसे उस पर संविधान सभा ने सोचा और कैसे वो उसको अमलीय जामा पहनाया गया। किसी भी संविधान की जो प्रस्तावना है, खासतौर से भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो संविधान के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है कि भारत के संविधान के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम कैसे। 4 लक्ष्य प्रस्तावना में स्थापित किए गए, और उन 4 लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो एक तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था हम देना चाहते हैं। मूल प्रस्तावना में
हम भारत को एक संप्रभु प्रजातंत्र के रूप में, एक गणतंत्र के रूप में स्थापित करने की बात हुई, उसके साथ साथ और जो लक्ष्य हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तो स्वतंत्रता, भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना, वो किस प्रकार की स्वतंत्रता इसका भी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया। समानता, स्वतंत्रता, समानता और फ्रेटर्निटी, जो बंधुत्व की भावना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसी में एक वर्ड, जब फ्रेटर्निटी को हम आगे, कि फ्रेटर्निटी क्यों, बंधुत्व के लिए की स्थापना हम क्यों करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यकता क्यों, बिल्कुल, तो उसके दो लक्ष्य निर्धारित किए गए कि भारत के लोगों को या भारत में निवास करने वाले लोगों को, भारत के नागरिकों को गरिमापयपूर्ण, उनकी गरिमा की संरक्षा, गरिमापयपूर्ण जीवन वो जी सकें इसके लिए, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री, तो भारत की एकता और को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं बंधुत्व की भावना के द्वारा। और निश्चित रूप से किसी भी देश में जब तक बंधुत्व की भावना स्थापित नहीं होती तब तक वो देश एक नहीं हो सकता, इसलिए यूनिटी के लिए आवश्यक है कि हम बंधुत्व की भावना को स्थापित करें। और उसके लिए संविधान ने पिछले 70 वर्षों में संविधान ने बहुत सारी जो मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे रास्ते तय किए हैं। बंधुत्व की भावना तभी संभव हो सकती है जब हम समता स्थापित करें देश में। भारतीय संविधान में समता निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, अफर्मेटिव भी है। फंडामेंटल राइट्स की दृष्टि से हम देखते हैं अगर जी, तो मूल अधिकारों की संरक्षा के पीछे निश्चित रूप से इक्वलिटी, जब भी रूल ऑफ लॉ की बात आती है, क्योंकि संविधान में से ही रूल ऑफ लॉ निकलता है। भारतीय संविधान जब स्थापित हुआ तभी वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इंडिया में आया पहली बार, और रूल ऑफ लॉ की कल्पना हम तभी कर पाए। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ के लिए जो चाहिए, किसी भी संविधान की सबसे प्रमुख बात होती है कि उस संविधान में क्या संविधानवाद है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये दो टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी संविधान में। संविधान तो किसी ऑटोक्रेटिक कंट्री में भी मिल जाता है, लेकिन संविधानवाद की जो परिकल्पना है, वो जो तत्व है, वो केवल डेमोक्रेटिक संविधान में ही प्राप्त हो सकता है। संविधानवाद को बढ़ावा देने वाले में दो प्रमुख घटक, बहुत सारे घटक हैं लेकिन उनमें दो प्रमुख घटक हैं, फंडामेंटल राइट्स और रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी इस दृष्टि से, इस वार्ता की दृष्टि से मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों, क्योंकि लोगों को अवसर की समानता प्रदान करने के लिए, जब हम इक्वलिटी को फंडामेंटल राइट्स के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वहाँ इक्वलिटी का अफर्मेटिव ऑस्पेक्ट सामने आता है, कि इक्वलिटी के निगेटिव ऑस्पेक्ट सामने नहीं होता। लेकिन जब हम 14 की बात करते हैं तो उसका निगेटिव ऑस्पेक्ट सामने आता है। जब हम 15 और 16 में जाते हैं तो यहाँ तक कि भारतीय संविधान में अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी परमिट किया गया है, कि अगर आवश्यकता है तो जो वंचित वर्ग है, जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके लिए शिक्षा संस्थानों में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, जबकि डिस्क्रिमिनेशन डिनाई किया गया है। इक्वलिटी तभी स्थापित हो सकती है जब डिस्क्रिमिनेशन को हम पूरी तरीके से समाप्त करें। किसी भी संविधान का उद्देश्य डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना होता है, लेकिन भारतीय संविधान में भारतीय व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, संविधान सभा ने भारत की राज्य व्यवस्था को ये अनुमन्य किया कि वो आवश्यकता पड़ने पर अफर्मेटिव एक्शन भी कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। हमारा जो संविधान है इतना लचीला उस तरीके से बनाया गया है, मतलब उसके कई सारे ऐसे बिंदु भी हैं जिन पर कि वो आलोचना का विषय है अगर उस पर ना जाया जाए, तो सीधे अगर बात करें तो उतना लचीला है कि अगर परिस्थिति के अनुरूप उसमें किसी वंचित वर्ग को, जैसा कि आपने कहा, अगर उनको कोई विशेष सुविधा देनी है तो वो दी जा सकती है। बंधुत्व की बात आपने की विवेक जी, जब जैसे आप कह रहे थे कि जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, जब हम अधिकारों की बात करेंगे, तो क्या भारत का संविधान इस स्तर की स्वतंत्रता और अधिकारों को देता है जिससे कि बंधुत्व उस पर जुड़ा हुआ है? क्योंकि इन दिनों इन विषय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा शुरू हो चुकी है। हमारा संविधान 70 साल का हो गया, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से इन विषयों पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। तो क्या बंधुत्व उससे जुड़ा हुआ है? आपने बंधुत्व बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि किसी भी देश के उत्थान के लिए बंधुत्व होना उसमें नागरिकों के बीच उसमें ज़रूरी है, तो क्या वो स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और इसके दो एस्पेक्ट हैं बंधुत्व के। एक तो शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि बंधुत्व स्थापित करने के लिए प्रयास करे, संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, और दूसरा बंधुत्व की भावना केवल शासन व्यवस्था या संविधान के नियमों से नहीं या उसके अनुच्छेदों से प्रकटित नहीं हो सकती। इसके प्रकटन के लिए सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था भी बहुत जिम्मेदार होती है।
बंधुत्व की भावना का विकास मुझे लगता है कि भारतीय संविधान का जो लक्ष्य इस तरीके के बंधुत्व की संकल्पना भारतीय संविधान के निर्माताओं ने की थी जी, हम कुछ कारणों से, चाहे वो पॉलिटिकल विल रही हो, चाहे वो शैक्षिक और सामाजिक व्यवस्थाएं रही हों, या परवर्ती काल में शिक्षा में संस्कारों की या इन चीज़ों की कमी रही हो, हम बंधुत्व की भावना के उस प्रकटन को प्राप्त नहीं कर पाए जिसकी कल्पना हमारे संविधान ने की थी। मुझे ये लगता है कि 70 बार हो सकता है कि इस पर राजनीतिक जो प्रभाव हो वो भी हो, जिसकी वजह से इस तरीके की बात हुई हो। आगे अगर थोड़ा सा बढ़ें तो अगर हम अपने संविधान की खूबियों की बात करें, तो जब संविधान सभा ने इसका गठन किया तो पूरे विश्व में जो जो अच्छी चीज़ें थी संविधान की, दूसरे आयरलैंड से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, हर जगह से कुछ अच्छी चीज़ों को अपने संविधान में जोड़ने का प्रयास किया गया। संविधान सभा के सदस्य जो थे वो ऐसा ही सोचकर आगे बढ़ रहे थे। अगर हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए अगर हम अपने संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे तो वन बाय वन इस तरीके की कितनी विशेषताएं हमारे संविधान की हैं जो कि किसी नागरिक को गर्व महसूस कराती हैं कि हम भारतीय हैं या हम भारत के संविधान को मानते हैं, फॉलो करते हैं। भारत के संविधान में समता आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक पूरा बहुत डिटेल में भारतीय संविधान ने समता के अधिकार को परिलक्षित किया है। और इतना ही नहीं, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे कि भारतीय इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि भारत के संविधान ने समानता के अवसर प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कमी नहीं की, कमी नहीं छोड़ी। ये अलग बात है, उस पर भी बहस की गुंजाइश है, उस पर भी समाज में चर्चा हो रही है कि जिस संविधान, ये संविधान की खामी नहीं है कि उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके कि नहीं कर सके, ये खामी है पॉलिटिकल विल की। बिल्कुल, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको एक बात बताऊं कि समता, समानता के समान अवसर सबको मिलें, फंडामेंटल राइट्स का भी यही उद्देश्य होता है कि जब कि कोई भी जो व्यक्ति है समाज में, ये नेचुरल लॉ फिलॉसफी से निकल कर आया, नेचुरल लॉ फिलॉसफी का मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी क्वालिटीज के साथ जन्म लेता है, एक नेचुरल ऑर्डर है समाज में जो नेचर ही प्रोवाइड करता है, वो कोई राज्य व्यवस्था प्रदान नहीं करती, संविधान प्रदान नहीं करता। और अगर कोई भी चीज उन नेचुरल एलिमेंट्स को या उन नेचुरल क्वालिटीज को डेवलप करने का जो पोटेंशियल व्यक्ति के अंदर है उसको कम करने वाली हैं, तो निश्चित रूप से लॉ ऑफ नेचर का वायलेशन। हमारे संविधान ने उस लॉ ऑफ नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था इक्वलिटी क्लॉज में की। बिल्कुल, और इसीलिए अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की अभी जो चर्चा की हमने, वो भी लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, इसलिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने यहां के शोषित वर्ग को, यहां के वंचित वर्ग को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या लिंग के आधार पर किसी तरीके कोई विभेद नहीं होगा, नंबर एक। और नंबर दो, विभेद भी राज्य कर सकता है यदि आवश्यकता है शोषित वंचित एजुकेशनली और उनको आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप विभेद कर सकते हैं। तो दो एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी। हालांकि जिस तरीके से विवेक जी बता रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बात है हमारे संविधान की, वो ये है कि इसे हर नागरिक गर्व की अनुभूति के साथ कह सकता है कि हाँ, वो भारतीय संविधान को मानता है। 70 साल का हमारा गणतंत्र हो चुका है, बतौर नागरिक भी हमारी जिम्मेदारी होती है, विवेक जी भी लगातार कह रहे थे कि बतौर नागरिक भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम संविधान को किस तरीके से माने और जो भारत की आत्मा है उसे बराबर रखने के लिए, या यूं कहें कि भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए, यह निश्चित तौर पर जरूरी है कि उसके नागरिकों की सहभागिता हो और वो संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ें। 70 साल के इस गणतंत्र पर हमारी आज की जो चर्चा है वो हम यही समाप्त करते हैं। विवेक जी, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया हमसे बातचीत की। तो फिलहाल इसी के साथ इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।